दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज 8। दोस्तों इससे पहले 7 तक का जो एक्सरसाइज है जो बन चुका है, जिसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर वहां से प्लेलिस्ट देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों एक्सरसाइज 8 जो है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के, उसमें टोटल ABCD यानी 4 जो है खंड में है। पहला ये ए का हम नोट किए हैं, और भी नोट किए हुए हैं दोस्तों, सारा हम बनाएंगे, एक्सरसाइज 8 जो है पूर्ण रूप से बनाएंगे। दोस्तों आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात इंग्लिश में बदले, अनुवाद करें, इंग्लिश में अनुवाद करें। दोस्तों गरीब लोग बेईमान नहीं होते, इसे हमें जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दोस्तों इसका एक ट्रिक हम देते हैं जिससे आप आसानी से समझिएगा। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे है गरीब लोग ईमानदार नहीं होते हैं। तो हम मान लीजिए गरीब लोग, तो पहला जो आएगा वो आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा सब्जेक्ट। अगर जहाँ पे द लगने वाला है तो वहाँ द लगाइए, और जहाँ पे द नहीं लगता है वहाँ मत लगाइए। प्लस एम इज आर, दोस्तों ये एम इज आर पे ही ये ट्रांसलेशन जो चैप्टर का नाम ही है, यूज ऑफ एम इज एंड आर। तो एम इज आर में से कोई एक आएगा और प्लस आएगा, इसके बाद नॉट, नॉट आएगा, और इसके बाद आप अदर वर्ड डालिए, जो भी है ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, या अदर वर्ड जो भी है आप इसमें डाल दीजिए। तो इस पे बैठाएंगे दोस्तों, और ये सारा बन जाएगा जो है इसका खंड ए। बी हम बनाएंगे, उसके लिए भी आपको बताएंगे दोस्तों हम। तो इस पे बैठाना है। अब सुनिए दोस्तों, हमें द कहाँ प्रयोग करना है कहाँ नहीं। तो हमें जो है अनकाउंटेबल नाउन में द का प्रयोग नहीं करना है। फिर रह गई बात काउंटेबल नाउन में, फिर द का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो काउंटेबल नाउन में आपको प्लूरल नंबर में द का प्रयोग नहीं करना है, और जो है सिंगुलर नंबर में करना है। देखिए पहला ट्रांसलेशन क्या है, गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं गरीब लोग का होता है द पुअर, क्या होता है द पुअर ही गरीब लोग का होता है, और अमीर लोग का होता है द रिच। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, द पुअर गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं, द पुअर, ये सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। अब एम इज आर में से हमको लेना है दोस्तों, एम इज आर, तो आर लगेगा यहाँ, क्या लगेगा आर, द पुअर आर, और नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नॉट, बेईमान, तो बेईमान का होता है डिसऑनेस्ट, लिखिए यहाँ पे डिसऑनेस्ट, और इस तरह से दोस्तों ये जो है बन चुका है। आगे है दोस्तों सांप वफादार नहीं होता है, सांप, तो सांप है दोस्तों काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन में जो है द का प्रयोग होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द स्नेक, द स्नेक। एम इज आर में से दोस्तों, एम इज आर में से हमको लेना है इज, सिंगुलर है इज नॉट, वफादार, वफादार का होता है दोस्तों फेथफुल, फेथफुल, एफ ए आई टी एच एफ यू एल, फेथफुल, और फुल स्टॉप दे देना है। आ गए दोस्तों साधु बेईमान नहीं होते हैं, साधु है दोस्तों ये प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे साधु, साधु का आप जानते हैं सेंट होता है, तो प्लूरल है तो सेंट्स हो जाएगा, क्या लिखेंगे सेंट्स, और साधु प्लूरल है, एम इज आर में से हमको लेना है आर, क्या लेना है आर, एम इज आर में से आर लेना है दोस्तों। यहाँ देखिए सब्जेक्ट साधु हो गया, एम इज आर में से आर ले लिए, और नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो लिखेंगे नॉट, डिसऑनेस्ट, तो डिसऑनेस्ट लिखिए, सेंट्स आर नॉट डिसऑनेस्ट, साधु बेईमान नहीं होते हैं। आगे दोस्तों मनुष्य अमरणशील नहीं होता है, तो दोस्तों मनुष्य अमरणशील नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे मनुष्य का हो गया दोस्तों मैन, तो मैन लिखेंगे मैन, मैन के साथ दोस्तों इज लगेगा, मैन इज नॉट, मैन इज नॉट अमरणशील, मरणशील का होता है दोस्तों मोर्टल, और अमरणशील जो होता है दोस्तों तो इमोर्टल हो जाता है, आई डबल एम ओ आर
IMMORTAL, इमोर्टल, मैन इज नॉट इमोर्टल, मनुष्य अमरणशील नहीं होता है। आगे है दोस्तों, कोयल उजली नहीं होती है। कोयल, ये देखिए सिंगुलर है दोस्तों, तो लगाएंगे द, द कुकू इज नॉट, नॉट लगाएंगे, नॉट और उजली, वाइट, वाइट कोयल उजली नहीं होती है। आगे दोस्तों, दूध काला नहीं होता है। क्या है? दूध काला नहीं होता है। तो दूध जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें हमें द का प्रयोग नहीं करना है। लिखेंगे मिल्क इज नॉट, और काला का जानते हैं ब्लैक होता है, ब्लैक, मिल्क इज नॉट ब्लैक। आगे है दोस्तों, सोना काला नहीं होता है। सोना है दोस्तों, तो सोना भी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, द का प्रयोग नहीं होगा। लिखेंगे गोल्ड इज नॉट ब्लैक, गोल्ड इज नॉट ब्लैक। कुछ गायें सीधी नहीं होती है। गायें हैं दोस्तों, बहुत गायें हैं, गाय तो ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन बहुत से गायें हैं, प्लूरल है, द का प्रयोग नहीं होगा। कुछ गाय का होता है सम काउज, क्या होगा? सम काउज, और आर का प्रयोग करेंगे, ए एम इज आर में से ले लेंगे आर, और नॉट है दोस्तों, तो नॉट लगाओ, नॉट, नॉट। सीधी का होता है जेंटल, सम काउज आर नॉट जेंटल, और इस तरह से दोस्तों ये भी बन चुका है। आगे है दोस्तों, माँ क्रूर नहीं होती है। तो माँ का आप जानते हैं होता है मदर, तो लिखेंगे मदर, इसमें द नहीं लगाएंगे दोस्तों, मदर इज नॉट क्रूएल, माँ क्रूर नहीं होती है। और दोस्तों इस तरह से इस साइड का जो बन चुका है और है, हम जो नोट किए हैं उसको बनाते हैं। आगे है दोस्तों, मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है। तो लिखेंगे मैन इज नॉट, बुरा का जानते हैं बैड, मैन इज नॉट बैड बाय बर्थ, मैन इज नॉट बैड बाय बर्थ, यानी मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है। और दोस्तों इस तरह से ये बन चुका है, जो ग्रुप ए था वो बन चुका है बी में हमारे। तो बी के लिए एक अलग फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों। ये क्या क्या करके है बी में, क्या गाय सीधी होती है, तो इसके लिए हम बताते हैं आपको क्या करना है। कुछ नहीं करना है, थोड़ा चेंजिंग कर देना है। अब इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या गाय सीधी होती है, तो इसमें क्या होगा, एम ई जार पहले आ जाएगा, एम इज और आर ये पहले आ जाएगा, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और इसके बाद अगर नॉट है, देखिए नॉट है, नॉट, नॉट, नॉट इसमें नहीं है दोस्तों, इसमें नॉट नहीं है, तो नॉट का यूज़ नहीं करना है, इसमें कहीं भी नॉट नहीं है तो प्लस लिख दीजिए अदर वर्ड, और इस पर इसको बैठाएंगे। आगे देखिए, पहला देखिए क्या है, क्या गाय सीधी होती है, गाय प्लूरल है, तो क्या शुरू होगा, आर से शुरू होगा, इसमें से लेना है हमको आर, एम ई जे आर में से आर लेना है, और गाय है तो लिखेंगे काउज, आर काउज, सब्जेक्ट हो गया आर काउज, और सीधी, तो सीधी का जानते हैं अब जेंटल होता है, आर काउज जेंटल, और यहाँ पे क्वेश्चन साइन देंगे। आगे है दोस्तों, क्या फल लाभदायक होता है, तो दोस्तों यहाँ पे फल है, कोई फल का नाम नहीं है, इसमें द का प्रयोग नहीं होगा, क्या लिखेंगे, इज, पहले इज लग जाएगा, इज फ्रूट, फ्रूट लाभदायक, तो लाभदायक होता है दोस्तों यूजफुल, इज फ्रूट यूजफुल, और क्वेश्चन साइन देंगे दोस्तों, इज फ्रूट यूजफुल, क्या फल लाभदायक होता है, क्या कुत्ता वफादार होता है, दोस्तों यहाँ पे कुत्ता है, क्या है, आप जानते हैं कुत्ता जो है काउंटेबल नाउन है, तो इसमें द का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे पहले इज आएगा दोस्तों, इज द डॉग, डॉग वफादार, तो वफादार का फेथफुल होता है, तो लिखें इज द डॉग फेथफुल, और क्वेश्चन साइन दीजिए,
तरह से यही बन गया दोस्तों। आगे है, क्या गरीब लोग परिश्रमी होते हैं? गरीब लोग, तो गरीब लोग का होता है द पुअर। तो क्या लिखेंगे, क्या गरीब लोग परिश्रमी होते हैं? तो लिखेंगे आर द पुअर परिश्रमी लेबोरियस। परिश्रमी का आप जानते हैं लेबोरियस, आर द पुअर लेबोरियस। यहाँ पे लिख देते दोस्तों, यहाँ पे एल ए बी ओ आर आई ओ यू एस लेबोरियस, और क्वेश्चन साइन देंगे आर द पुअर लेबोरियस, क्या गरीब लोग परिश्रमी होते हैं। आगे है दोस्तों, क्या सोना पीला होता है? तो पीला, सोना जानते हैं आप, सोना जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें द का प्रयोग नहीं होगा, तो इज लगेगा इसमें, ये सिंगुलर है, इज गोल्ड पीला का येल्लो होता है, लिखिए इज गोल्ड येल्लो, क्या सोना पीला होता है, क्या दूध मीठा होता है, ये भी दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन है, द का प्रयोग नहीं होगा, इज मिल्क स्वीट, क्या दूध मीठा होता है, क्या बच्चे नटखट होते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्लूरल सेंटेंस है, तो हमें एम इज आर में से पहले आर लेना है, आर ठीक है, और बच्चे हैं तो लिखेंगे चिल्ड्रेन या किड्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आर चिल्ड्रेन, आर चिल्ड्रेन, नटखट का लिखे नॉटी, एन ए यू जी एच टी वाई, नॉटी, क्वेश्चन साइन दीजिए, आर चिल्ड्रेन नॉटी, क्या बच्चे नटखट होते हैं। आगे है दोस्तों, क्या धनी प्रसन्न होते हैं? क्या धनी प्रसन्न होते हैं? तो लिखेंगे दोस्तों आर द रिच हैप्पी, क्वेश्चन साइन देंगे दोस्तों, क्वेश्चन साइन, आर द रिच हैप्पी, क्या धनी प्रसन्न होते हैं। क्या साधु दयालु होते हैं? साधु है दोस्तों, ये प्लूरल सेंटेंस है, लिखेंगे आर आर सेंट्स काइंड, क्या साधु दयालु होते हैं। क्या आदमी मरणशील होता है दोस्तों? क्या आदमी मरणशील होता है, तो क्या का है पहले, इसलिए एम इज आर पहले आ जाएगा, तो आदमी के साथ लगता है इज, इज लिखिए, इज मैन मोर्टल, क्वेश्चन साइन दीजिए दोस्तों, और इस तरह से ये भी बन चुका है दोस्तों, ग्रुप जो बी जो डाला हुआ था वो भी बन चुका है। अब हम चलेंगे सी की ओर, तो सी के लिए दोस्तों अलग फार्मूला है, सी के लिए क्या है देखिए, क्या सांप डरावना नहीं होता? नॉट सिर्फ लगा दिया है, तो आपको भी क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट डाल देना है, एम इज आर तो रहेगा ही, एम इज आर ये रहेगा ही, सब्जेक्ट आएगा ही, और यहाँ पर आ जाएगा नॉट, क्या जाएगा नॉट, इसके बाद डालिए ओ डब्ल्यू अदर वर्ड, और इस पे आप इसको बैठाइए बन जाएगा। देखिए पहला क्या है, क्या सांप डरावना होता है? क्या सांप डरावना होता है? तो लिखेंगे सांप जो है दोस्तों, ये जो है काउंटेबल नाउन है, तो इसमें द का प्रयोग होगा, और एम इज आर में से आ जाएगा दोस्तों इज, क्या आ जाएगा इज, इज द स्नेक नॉट फियरफुल, दोस्तों यहां थोड़ा समझे हम, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, सांप डरावना नहीं होता है, क्या लिखे हैं, इज द स्नेक नॉट फियरफुल, तो इज द स्नेक यहां तक जो हो गया दोस्तों, इज जो हो गया एम इज आर में से हम इज लिए हैं, द स्नेक सब्जेक्ट हो गया, और नॉट नॉट और अदर वर्ड फियरफुल, तो इस तरह से दोस्तों ये बन चुका है। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं, इधर नोट किए हुए हैं सी का, और यहां है दोस्तों, यहां देखिए, क्या शिक्षक दयालु नहीं होते हैं? क्या शिक्षक दयालु नहीं होते हैं? दोस्तों शिक्षक जो है यहां प्लूरल है, शिक्षक दयालु नहीं होते हैं, ये प्लूरल सेंटेंस है, तो आर से शुरू होगा, क्या होगा, आर
टीचर्स नॉट यूज करना है, नॉट काइंड, और क्वेश्चन साइन देना है दोस्तों। क्या शिक्षक दयालु नहीं होते हैं? क्या बर्फ ठंडी नहीं होती है? दोस्तों ये काउंटेबल नाउन नहीं है, यहां पे द नहीं लगेगा। इज आइस नॉट कोल्ड? क्या बर्फ ठंडी नहीं होती है? इज आइस नॉट कोल्ड, क्वेश्चन साइन दीजिए दोस्तों। क्या अंग्रेजी दवा लाभदायक नहीं होती है? क्या लिखेंगे दोस्तों? इज इंग्लिश मेडिसिन नॉट यूज करेंगे दोस्तों, नॉट लाभदायक, यूजफुल, और क्वेश्चन साइन दीजिए। क्या आम मीठा नहीं होता है? आम है दोस्तों, आम जो है काउंटेबल नाउन है, द लगेगा। इज द मैंगो नॉट स्वीट, क्वेश्चन साइन दीजिए दोस्तों। क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं? दोस्तों ये प्लूरल सेंटेंस है, क्या लिखेंगे? आर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस? क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं होते हैं? लिखेंगे इज आर्टिफिशियल फ्लावर। आर्टिफिशियल फ्लावर मतलब बनावटी फूल, और नॉट का यूज करना है दोस्तों, नॉट ब्यूटीफुल। क्वेश्चन साइन देंगे दोस्तों। क्या कोयला काला नहीं होता है? दोस्तों कोयला है, ये काउंटेबल नाउन नहीं है, द नहीं लगेगा। इज कोल नॉट ब्लैक, आगे है दोस्तों डी, और ये लास्ट है इस जो है एक्सरसाइज 8 का लास्ट जो है ग्रुप डी। तो दोस्तों इसमें क्यों आ गया है, कैसे आ गया है, तो हम क्या करेंगे, एम इज आर, और इसके बाद देंगे सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, और पहले दोस्तों आ जाएगा, पहले जो आ जाएगा जैसे क्यों का रहेगा तो व्हाई आ जाएगा, ठीक है, अगर कैसे रहेगा तो हाउ आ जाएगा, ये आएगा दोस्तों पहले, इस तरह से आएगा, कैसे रहेगा तो हाउ आ जाएगा, और यही है दो आता है, क्यों कैसे यही है ही, तो यही दोनों में से कोई एक आएगा दोस्तों, इस तरह से बनाएंगे। दूध क्यों मीठा होता है? दूध क्यों, तो पहले क्यों का लिखेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए पहले लिखेंगे व्हाई, क्या लिखेंगे व्हाई, एम इज आर में से लिखिए इज, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखिए मिल्क, स्वीट, मीठा का लिखिए स्वीट, और क्वेश्चन साइन दीजिए, इस तरह से बनाना है दोस्तों। आगे है साधु क्यों दयालु होते हैं? Why are saints kind? क्वेश्चन साइन देंगे दोस्तों। सांप कैसे डरावना होता है? तो लिखेंगे कैसे है दोस्तों, तो लिखेंगे हाउ इज द स्नेक, द लगेगा दोस्तों, ये काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, द स्नेक दस्तनेक डरावना, तो फियरफुल, यहाँ पे फियरफुल लिखना है दोस्तों, एफ ई ए आर एफ यू एल, फियरफुल, क्वेश्चन साइन दे दीजिएगा दोस्तों।
बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होते हैं, तो कैसे का पहले लिखे दोस्तों हाउ इज आर्टिफिशियल फ्लावर नॉट ब्यूटीफुल। क्वेश्चन साइन आ गए दोस्तों, दूध क्यों लाभदायक होता है, तो क्यों का पहले लिखिए व्हाई इज मिल्क यूजफुल। क्वेश्चन साइन दीजिए दोस्तों, व्हाई इज मिल्क यूजफुल, दूध क्यों लाभदायक होता है दोस्तों। आगे है और नोट किए हुए हैं उसको बनाते हैं। ये है दोस्तों, यहाँ इसी का है, ये यहाँ बनाते हैं। आगे है दोस्तों, चीनी क्यों मीठी लगती है, तो चीनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, द नहीं लगेगा, तो क्यों का पहले लिखिए व्हाई इज सुगर और मीठी का लिखिए स्वीट। सिंह क्यों मजबूत होता है, सिंह जो है काउंटेबल नाउन है, इसमें द लगेगा, यहां लिखिए द, पहले द से शुरू नहीं करेंगे दोस्तों, पहले क्यों से शुरू करेंगे, तो व्हाई इज द लायन स्ट्रॉन्ग। और क्वेश्चन साइन दीजिए दोस्तों, भारतीय छात्र कैसे मेहनती नहीं होते हैं, तो कैसे है, तो पहले लिखेंगे हाउ आर इंडियन स्टूडेंट्स कैसे नहीं भी है, तो नॉट नॉट लेबोरियस। क्वेश्चन साइन दीजिए दोस्तों, गाय क्यों सीधी होती है, गाय बहुत से गाय हैं दोस्तों, प्लूरल है, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, और क्यों का पहले लिखिए व्हाई आर काउज जेंटल। क्वेश्चन साइन दीजिए दोस्तों, आगे है दोस्तों, मनुष्य क्यों मरणशील होता है, तो लिखिए क्यों का पहले लिखिए व्हाई इज मैन मोर्टल। क्वेश्चन साइन दीजिए, और दोस्तों इस तरह से ये जो है एक्सरसाइज 8 पूर्ण रूप से बन चुका है, और हमें जानकर खुशी होगा कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।